जय जय श्री सीताराम। बंधौ तुलसी के चरण जिनकी नेहु जग काज, कलि समुद बूढ़त लख्यो प्रगटेऊ सप्त जहाज। ये जो चौपाई आती है, ये कब कही गई, किसने कही और किन परिस्थितियों में ये चौपाई कही गई, आज इस पे ही हम सभी चर्चा करेंगे, इसी पे शोधन करेंगे कि ये कब कहाँ किस परिस्थिति में कहा गया। संसार पार के पार को सुगम रूप नौका लेओ, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। इस कलि काल में हम जीवों के उद्धार के लिए ही आदि कवि जो महर्षि महर्षि वाल्मीकि जी थे, उन्हीं ने तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया गया, ऐसा संतों का मत है और ऐसा ही हम सभी प्रारंभ से ही सुनते हुए आए हैं। क्योंकि इस अपार संसार सागर को पार करने के लिए रामचरितमानस परम सुंदर, और परम सुंदर ही नहीं परम सुदृढ़ नौका के समान है। और ये रामचरित कैसा है, चैतम रघुनाथस्य सतकोटि बिर्विस्तवम एकैकम मच्छरम पुंसाम महापातक नाशनम। महर्षि वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोकों में राम जी के चरित्र को विस्तार से गाया है, और उन श्लोकों का जो एक एक अक्षर है ये महापातक नाशनम, ये मनुष्यों के महापापों को नष्ट करने वाला है। ग्रंथ तो अनेक हुए समय समय पर, लेकिन रामचरित्र मानस जैसा कोई ग्रंथ ना ही हुआ कभी, और ना ही कभी भविष्य में होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी प्रकार के सिद्धांतों को मिलाया गया है, सभी प्रकार के सिद्धांतों का समावेश किया गया है, चाहे कर्मयोग कहें, भक्ति योग कहें, ज्ञान योग कहें, सबका संगम है। यदि दार्शनिक दृष्टि से कहें तो द्वैत, विशिष्ट अद्वैत या फिर केवल अद्वैत, इन सब सिद्धांतों का भी सामंजस्य मानस जी मिलता है। और यदि लौकिक दृष्टि से देखें तो मानस जी एक समाज शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, नीति शास्त्र भी है, अर्थात हर कोई मानस जी से शिक्षा ले सकता है। और ये इस लोक के बाहर की बात करें तो रामचरितमानस पारलौकिक दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला भी है। जैसे कि गोस्वामी जी ने मंगलाचरण में लिखा भी है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण है, सब कुछ है इस रामायण में, इस रामचरितमानस में नाना पुराण निगम आगम सम्मतम, सबसे सम्मत है, सब सबका यहाँ पे समावेश किया गया है। और फिर बाद में गोस्वामी जी लिखते भी हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी कहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, कि जब ऐसी बात है तो फिर किसी से कोई विरोध, किसी से कोई विरोधाभास का सवाल भी नहीं उठता, कि जब सिया राम मैं सब जग जानी तो फिर विरोध किससे हुआ, किसी से नहीं। निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन का रही विरोध। और जिन घटना की अभी हम बात कर रहा था उसी घटना की चलते हैं, गोस्वामी जी उस समय काशी में बास कर रहे थे, तो वहां नित्य नियम से मानस जी की कथा गंगा जी के किनारे अस्सी घाट पे कहते थे, और गोस्वामी जी की कथा को सुनने के लिए साधु संत वहां के महात्मा ज्ञानी ध्यानी जो सिद्धियोगी हैं, सदग्रस्त हैं, जो भक्त हैं, वो सभी आते थे। क्यों? गोस्वामी जी की कथाएं थी। उस समय मानस जी की कथा या राम जी कथा का उतना प्रचार प्रसार भी नहीं था, तो कथाएं थोड़ी दिव्य होती थी उस समय। और
चारों जगह, चारों दिशाओं में गोस्वामी जी की प्रसिद्धि थी। अब जैसे कि गोस्वामी जी ने कहा है मानस जी में ही, तात स्वर्ग अपबल सुख धरिय तुला एक अंग, और तूल न ताही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। सत्संग की महिमा कही है। इसी प्रकार एक बार गोस्वामी जी राम जी पे चरित्र का गान करते हुए सत्संग का जो महत्व है, सत्संग का जो महत्व है उसका वर्णन कर रहे थे, तो जो भक्त बैठे थे उन्हीं में से एक प्रेमी भक्त ने गोस्वामी जी से कहा कि महाराज, इस भवसागर से पार उतरने के लिए सबसे सरल उपाय कौन सा है? तो गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों ही इस संसार सागर से पार उतरने के लिए नौका हैं। इनमें से किसी एक का भी आश्रय यदि ग्रहण कर लिया जाए तो जीव का परम कल्याण होना निश्चित है, उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन इन चारों में भी जो भगवान का नाम है ये सबसे सुलभ है। क्यों? नाम सबसे सुलभ हो गया, फिर क्या कहा? रूप, रूप ध्यान सबसे होता नहीं है, रूप ध्यान बड़े अभ्यास की बात है, प्रभु की कृपा की बात है, नहीं हुआ रूप। लीला, लीला चिंतन तो बहुत ऊपर की चीज है, लीला चिंतन तो कहां किसी को रहा है। और धाम, धाम की प्राप्ति सबको नहीं होती। तो शेष क्या बच्चा? जो सबसे सुलभ है वो है नाम। विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी लिखते हैं, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। नाम ही हमारी नाव है। तो जिनके केवल श्रीचरण इस भवसागर से उतरने के लिए नौका के समान है, जो इस भवसागर से उतरने की इच्छा रखते हैं, भव जल्दी पोत चरणारविंद जान की रवन आनंद करना, ये भी विनय पत्रिका में ही आता है कि जिनके चरण कमल इस संसार सागर से पार उतरने के लिए जहाज है, ऐसे जो जानकी रमन श्री रघुनाथ जी हैं वो आनंद की वर्षा करने वाले हैं। भव सागर चहे पार जो पावा राम कथा ताके दृढ़ चारी खानी जगजीव पाला अवध तजे तनु नहीं संसारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। जो अयोध्या जी में रह के अपने प्राण छोड़ देता है उसको दोबारा संसार में नहीं आना पड़ता, ऐसी अयोध्या की महिमा है। तो गोस्वामी जी की कथा सुनने के लिए गंगा जी के पास से एक सत्संग के प्रेमी महापुरुष आया करते थे, और वो नियमित रूप से कथा सुनने सायंकाल को आते, कथा सुनने के लिए आते, और जब कथा पूर्ण हो जाती तो नाव करके वापस अपने गांव के लिए लौट जाते थे। एक दिन कथा में एक प्रसंग हो गया तो कुछ विलंब हो गया, और जब विलंब हो गया तो सूरज छुप गया, सूरज छुप गया तो इन्हें वापस जाने के लिए अब नाव नहीं मिली। अब वापस जाने के लिए नाव नहीं मिली तो बहुत घबरा गए, वहां से लौट कर फिर भागे भागे गोस्वामी जी के पास आए। गोस्वामी जी ने कहा कि देखिए, ऐसा कीजिए, आप आज यहीं विश्राम कर लीजिए, प्रातःकाल चले जाइएगा। वो व्यक्ति नहीं माना, घर जाने के लिए बड़ा उतावला हो रहा था। तो गोस्वामी जी ने कहा कि देखिए, आप भी राम जी के प्रेमी हैं, नित्य प्रति कथा सुनने के लिए आते हैं, तो फिर आप घर जाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो रहे हैं? तो उसने कहा कि महाराज, मैं यहाँ रहूँगा तो मुझे घर की याद आएगी, मेरा यहाँ पे रह के जो चिंतन बनेगा वो मेरा यहाँ पे रह के घर का चिंतन बनेगा, जो ठीक नहीं है। हाँ, यदि मैं चला जाऊँगा तो घर जाने के बाद मेरा यहाँ का चिंतन बनेगा जो परम श्रेष्ठ है। यहाँ का चिंतन बनेगा तो आपकी कथा सत्संग का चिंतन बनेगा, कथा सत्संग का चिंतन बनेगा तो भगवान का चिंतन बनेगा, वो श्रेष्ठ है, इसलिए यहाँ से तो मुझे जाना ही होगा। जैसे
दो घनिष्ठ मित्र थे। इनमें से एक चला गया, एक जगह मानस जी का पाठ चल रहा था तो वहां कथामृत का पान करने के लिए चला गया, और दूसरा उसी गांव के वैश्याला में चला गया। अब जो कथा पान करने मित्र गया था वो तो वहां जाके वैश्या का चिंतन करने लगा, कथा में मन ही नहीं लग रहा था। उसे लगा कि भाई यहां तो मन नहीं लग रहा, मेरे मित्र ने सही किया, मेरे मित्र वैश्या के पास चला गया, बड़े आनंद से होगा, बड़े सुख से होगा। और जो उसका मित्र जो वैश्या के गया था वो वहां सोच रहा है कि अरे मेरा मित्र कितना भाग्यशाली है, भगवान की कथा में गया है, भगवान के चरणों में गया है, कितना अच्छा भाग्य है उसका। वो वहां पर वो कथा में रहकर वैश्या का चिंतन कर रहा है, और वो वैश्या के पास रहकर कथा का चिंतन कर रहा है, भगवान का चिंतन कर रहा है। जैसे भगवत में ही आता है, श्रीमद भागवत महापुराण में आता है, तब कथा मित्र तप्त जीवनम कपि भी दीडितम कल्पासनम और श्रवण मंडलम श्रीमदातनम भूमि ग्रंथी ते भूरिदा जना। कि भगवान की जो लीला है, भगवान की जो कथा है, ये भी अमृत के ही समान है। और जो भगवान की विदय में है, जो भगवान की वेदना में है, उनके लिए तो ये कथा ही उनके जीवन का सब कुछ है। ये सुनने से मनुष्य के सारे पाप सारे ताप तो मिटाती ही है, साथ ही उसका परम कल्याण भी करती है। तो जो मित्र वैश्या के गया था वो कहने लगा, सोचने लगा कि मैं कितना बड़ा अभागा हूं, मैं कहां इस वैश्या के चंगुल में फंस गया। मन में पश्चाताप करने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, मैं आपकी शरण में हूं। और उसी समय ऐसा भगवान की लीला हुई, ऐसा समय हुआ कि उसी समय दोनों का प्राण विसर्जन हो गया। जो कथा में गया तो उसका भी वहीं हो गया, जो वैश्या के गया था उसका भी वहीं हो गया। जब अब जो कथा में गया था मित्र उसकी तो बड़ी दुर्गति हुई, और जो वैश्या के गया था उसकी सदगति हो गई। क्यों? क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, बंधनाय विषयासक्तम मुक्त निवेश्यम स्मृतम। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। कहा भी गया है कि जहां पे शरीर है वहां पर आप नहीं है, आप तो वहां है जहां पर आपका मन है। आप जंगल में गए, भय लग रहा है सर्प डस लेगा, सर्प डस लेगा, सर्प डस लेगा, भाई ये तो मन का सर्प है ना जो आपको डस रहा है, वास्तव में तो सर्प नहीं है ना, जब होगा तब होगा, अभी तो नहीं है, लेकिन वो भय ही है जो आपको सर्प बन के डसा जा रहा है। अब कथा में आते हैं तो गोस्वामी जी ने जब उन महात्मा जी की बात सुनी कि मैं घर रहूंगा तो मेरा यहां का चिंतन बनेगा, तो गोस्वामी जी उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुए। गोस्वामी जी को बड़ी दया आ गई, तो गोस्वामी जी मनी मन सोचने लगे कि वास्तव में प्रभु का नाम ही तो नाव है, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, नाम ही तो नाव है, भवसागर चहे पार जो पावा राम कथा ताके दिन लगा। और जो राम जी भवसागर से पार करवा देते हैं तो राम जी के लिए एक नदी पार करना कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। गोस्वामी जी ने मनी मन भगवान की लीलाओं को चिंतन किया, प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही जल दिलांग गए अचरज नाही। हनुमान जी ने मुख में राम नाम की मुद्रिका ली और समुद्र लांग गए। तो वही लीला गोस्वामी जी के चिंतन में आ गई, कभी कभी हृदय विचार दीन मुद्रिका डाली तक। गोस्वामी जी ने एक तुलसी दल लिया और उस तुलसी दल पर प्रेम से राम नाम लिख दिया, उसको एक लाल पोटली में छोटे से कपड़े बांध के उन सज्जन की मुट्ठी में रख दिया, उनसे कहा कि अब आप मुट्ठी बंद कर लीजिए और जब अपने गांव पहुंच जाए तब इसको
खोलिएगा, ठीक है। हमने एक ऐसा मंत्र इसमें लिख दिया है जिससे, जिस मंत्र के प्रभाव से तुम उस नदी को, उस नदी के जल को थल की तरह पार कर जाओगे, अर्थात वो तुम्हारे लिए एक जमीन की तरह हो जाएगा, तो उसे पार कर जाओगे। पकने जाओ, भक्त था, भोला भाला था, गोस्वामी जी के बच्चे में विश्वास हो गया, बड़ी प्रसन्नता से मुट्ठी बंद करी और राम जी का भक्त था तो राम जी के मंत्र का जाप करते हुए गंगा जी के जल में, जैसे स्थल हो इस तरीके से, बड़े आराम से उसको पार कर रहा था। लगभग पार हो गया था तो उसने विचार किया कि भाई जरा खोल के देखूं तो गोस्वामी जी महाराज ने इसमें आके ऐसा कौन सा मंत्र लिख दिया है। जैसे ही खोल के देखा कि भैया इस तुलसी, इसमें तो तुलसी दल है, उस पर राम लिखा हुआ है, तो मणिहन वो कहने लगा अरे ये तो मैं भी जानता हूं। जैसे ही उसने संदेह किया वैसे ही गंगा जी ने उसे लगवा दी एक गोता कि भैया ये लो। बहुत घबराया, राम जी के नाम को उच्चारण करने लगा, और फिर भी भैया गोता तो लगना था, लग ही गया। अंत में बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ कहा हे गोस्वामी जी के श्री राम जी मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। उसी समय राम जी की प्रेरणा हुई, लहरों का एक झोंका आया और ले जाके किनारे के रेत में जाके उसको पटक दिया, लो भैया। लेकिन फिर भी दो चार डुबकियां और पटक तो जो है नाम महाजन लगवा ही दी, क्यों, नाम तो वही था, लेकिन जब तक देखा नहीं था तब तक पूरा विश्वास था यहां वास्तव में ये काम करेगा, गोस्वामी जी दिया है ये काम करेगा, तब तक पूरा विश्वास था। लेकिन जैसे ही देख लिया, जैसे ही देख लिया तो देखते ही विश्वास कम हो गया, संदेह आ गया कि अरे ये तो मैं भी जानता था, मैं जानता था, इसने ऐसे गोस्वामी जी ने क्या लिख दिया, बस विश्वास हुआ, लग गया गोता। अब ये बात उस भक्त ने भी अच्छी प्रकार से समझ ली कि वास्तव में जो विश्वास गोस्वामी जी महाराज का है वो विश्वास हमारा नहीं है। और अंत में रेत से उठा, कपड़े झाड़े, राम जी के नाम का गुणगान करता हुआ, श्री राम जय राम जय जय राम का गान करता हुआ आराम से घर पहुंच गया। और जब घर पहुंच गया तब उसने चिंतन किया कि गोस्वामी जी ने वास्तव में मानस जी के एक नहीं सात कांड लिखे हैं, और हर कांड अपने आप में राम जी की कथा है, राम जी का जीवन चरित्र है। तब वहां उसने कहा कि बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नेह जग काज, कलि समुद बूढ़त लख्यो प्रगटेऊ सप्त जहाज। सात जहाज गोस्वामी जी ने प्रकट किए हैं। तो ये थी हमारे राम जी के नाम की महिमा, और एक भक्त के मन में कितना विश्वास होना चाहिए, कितना विश्वास नहीं होना चाहिए, कहाँ पे उसका विश्वास काम करता है, ये हमारे ऊपर है। नाम की महिमा है, आज भी है, आप मानेंगे तो भी है, नहीं मानेंगे तो भी है, लेकिन जब मान लेंगे, श्रद्धा विश्वास के साथ स्वीकार कर लेंगे, तो वो नाम की महिमा प्रकट हो जाएगी। जब तक विश्वास नहीं है तब तक वो नाम की महिमा छुपी हुई है। और आज के लिए यहीं विश्राम करते हैं, फिर आगे राम जी की इच्छा के अनुसार राम जी की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे। जय जय।